रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्रिमंडल रहते कितने ट्रेनें लड़ चुकी। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसके बाद दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे के बाद जो कुछ भी इंतजामात प्रशासनिक अमले को करना है वो उसमें जुटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। हादसे की वजह तलाशी जा रही है। मुमकिन है कुछ दिनों की जांच के बाद गुनहगार खोजकर फाइल बंद कर दी जाए, लेकिन डिब्रूगढ़ रेल हादसे ने एक बार फिर रेल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल इससे पहले बीते महीने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद भी उठे थे कि आखिर रेलवे का कवच कहां है और ये यात्रियों की सुरक्षा के काम क्यों नहीं आ पा रहा है। डिब्रूगढ़ हादसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। उन्नत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश भर में सभी मार्गों पर कवच प्रणाली को शीघ्रता से स्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर गोंडा रेल हादसे को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा है, लगातार हो रहे बड़े बड़े रेल हादसों में सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं। कवच जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी ही नहीं तय की जाती। आखिरकार आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों है? रेल दुर्घटनाओं को लेकर किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है? इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गोंडा रेल हादसे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, एक और रेल हादसा गोंडा में, भाजपा सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीधे सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर डाली है। हादसे हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है और कोई मेंटेनेंस कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तत्काल इस पे जो लोग जहाँ भी दोषी हैं, और सबसे पहले तो मैं ही कहूँगा कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्रिमंडल रहते कितने ट्रेनें लड़ चुकी हैं, कितने लोग मर चुके, इसकी भरपाई कौन करेगा? दरअसल समूचा विपक्ष रेल यात्रियों की सुरक्षा और सरकार के दावों पर कवच सुरक्षा प्रणाली को लेकर सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि इससे पहले बीते साल जून में ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण हादसे में 3 ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई थी। बालासोर हादसे में 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1000 से ज्यादा लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए थे। उस वक्त भी विपक्ष ने रेलवे की कवच तकनीक को लेकर सवाल उठाया था, तब भी सरकार ने कवच उपाय अपनाने का भरोसा दिलाया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।